Hello guys, I hope you all are doing great. Today we will discuss price consumption curve and income consumption curve. इन दोनों से related question UGC net में पूछे जाते हैं, so मैंने सोचा आज यही cover कर लेते हैं कि price consumption curve और income consumption curve क्या show करते हैं. So let's get started. फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए हाउ डिमांड कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कंजम्पशन. आप सबको ये तो पता होगा डिमांड कर्व क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर गुड के उनका रिलेशनशिप बताता है. अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है एंड वाइस वर्सा. सो डिमांड कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व में क्या डिफरेंस है? प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी कि प्राइस के चेंज होने से कंजम्पशन, किसकी कंजम्पशन, दोनों गुड्स की कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें दिखाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व. वहीं पे इनकम कंजम्पशन कर्व मतलब इनकम, इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन किसकी, बोथ गुड्स की, गुड एक्स और वाई या कोई भी ले लो, तो उनकी कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें क्या दिखाता है, इनकम कंजम्पशन कर्व. सो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? इट शोज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. सिमिलरली इनकम कंजम्पशन कर्व क्या दिखाता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं ये तीनों कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे आता है डिमांड कर्व जो दिखाता है प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. दोनों सेम गुड्स हैं, एक जगह प्राइस है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है. जब किसी गुड का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं बिकॉज दैट गुड बिकम मोर एक्सपेंसिव. सो इट शो, इट इज शोड बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सो डिमांड कर्व हमारा ये हो गया नेगेटिवली स्लोप. फिर आता प्राइस कंजम्पशन कर्व, प्राइस के चेंज होने से कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स पे क्या इफेक्ट होता है. सो इसको निकालने के लिए, प्राइस कंजम्पशन कर्व के लिए हमें ऑप्टिमल पॉइंट चाहिए. सबसे पहले हमें एक्सिस का ध्यान होना चाहिए कि दोनों एक्सिस पे क्वांटिटी आएगी दोनों गुड्स की, गुड एक्स और गुड वाई. बजट लाइन हमें क्या शो करता है, हम एक अपनी इनकम से कितने गुड खरीद सकते हैं. तो बजट लाइन यहाँ पे बी एल वन, बजट लाइन वन. जब प्राइस चेंज हुआ इस डायग्राम में, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर प्राइस ऑफ गुड वाई हमारा फॉल हो जाता है, सो ऑफ कोर्स है किसी गुड का अगर प्राइस कम हो रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा करेंगे या हम उसी इनकम में हम ज्यादा गुड वाई परचेज कर सकते हैं. सो अगर गुड एक्स का प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन वाई का कम हो रहा है, तो अगर हम सारी इनकम गुड वाई पे स्पेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स है हम ज्यादा गुड वाई को परचेज कर सकते हैं. ऐसे फर्दर अगर प्राइस फॉल हुए तो हम फर्दर क्वांटिटी ऑफ वाई ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं. सो बजट लाइन हमारा पाइवोट हो रहा है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ पाइवोट हो रहा है. प्राइस कंजम्पशन कर्व किसका पॉइंट है? ये है लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन मीट्स. टेंजेंसी पॉइंट जहां पे होगा इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का, वहां से आपका पीपीसी कर्व पास होगा. इनडिफरेंस कर्व ये शो करता है इन बंडल्स, ये सारे बंडल जो कि इनडिफरेंस कर्व पे हैं वो सारे इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, चाहे वो ये खरीदे, चाहे वो ये वाला परचेज करे, चाहे इस पॉइंट पे करे, सेटिस्फैक्शन उसे इक्वल मिलेगी. एंड बजट लाइन शो करता है वो अपनी इनकम से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल को वो कंज्यूम कर सकता है. सो जहां पर उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और अपनी इनकम से वो परचेज भी कर सकता है वो ऑप्टिमल पॉइंट होता है, वो होता है इनका टेंजेंसी पॉइंट, जहां से प्राइस कंजम्पशन कर्व पास होता है. ओके,
नाउ थर्ड वन इज इनकम कंजम्पशन कर्व. अब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ता है दोनों ग्रुप्स की, तो वो दिखाता है हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व. अब हमने पढ़ा कि बजट लाइन में, बजट लाइन मान लो बजट लाइन वन है कि एक हमारी इनकम मान लो 100 है तो हम इतने एक्स गुड कंज्यूम कर सकते थे और इतने वाई गुड मैक्सिमम. अब हमारी इनकम बढ़ गई तो उस इनकम को या तो हम गुड वाई की कंजम्पशन भी कर सकते हैं उससे या गुड एक्स की भी, दोनों गुड्स की. तो जब भी इनकम बढ़ती है तो हमारा बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होता है. सो ऐसे ही ये वाला कर्व यहाँ पर शिफ्ट हो गया. सिमिलरली अगर फर्दर इंक्रीज होती है फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है जिससे हम कंजम्पशन दोनों गुड्स की बढ़ा सकते हैं. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारी बजट लाइन पाइवोट करती है. सो जब भी इनकम के चेंज होने से हमारा ऑप्टिमल बंडल चेंज हो जाता है, इनकी टेंडेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, उसको जो उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करके हम कर्व बनाते हैं वो हमारा होता है इनकम कंजम्पशन कर्व. अब प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व से हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स को बता सकते हैं कि गुड एक्स क्या है, गुड वाई क्या है. मतलब गुड एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्स है, नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स हैं. तो हम इनकम कंजम्पशन कर्व से बता सकते हैं कि इनकम बढ़ने से अगर किसी गुड की डिमांड बढ़ रही है तो वो नॉर्मल गुड है. अगर इनकम बढ़ने से किसी गुड की डिमांड कम हो रही है तो वो इंफीरियर गुड्स है. तो मतलब हम इन कर्व से हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स बता सकते हैं. सो वही मेन एजेंडा होता है इसमें उनका क्वेश्चन पूछने का कि कौन सा गुड कैसा है. अगर इनकम कंजम्पशन कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अलग अलग शेप्स में कि गुड्स कैसे हैं आप वो बताइए. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया है कि डिमांड कर्व एक ही गुड के प्राइस और क्वांटिटी को शो करता है, रिलेशनशिप उनके बीच में. प्राइस कंजम्पशन कर्व नाम से देखो आप, प्राइस के चेंज होने से कंजम्पशन किसकी, दोनों गुड्स की क्या इफेक्ट पड़ता है वो दिखाता है हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व. ऐसे इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स कैसे इफेक्ट होती है वो हमें दिखाता है इनकम कंजम्पशन कर्व. नाउ प्राइस कंजम्पशन कर्व, it shows a different combination of two goods that a consumer can consume when the price of good changes. अगर किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो कौन से different different combination of two goods है जो कि एक consumer consume कर सकता है वो दिखाता है हमारा price consumption curve. The consumption bundle is measured. Consumption bundle कैसे measure होता है, by the tangency of the budget line and indifference curve. For example this. ये डायग्राम है, इसमें दिखा रखा है इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड वाई. अगर गुड वाई का प्राइस फॉल हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कंजम्पशन गुड एक्स की और वाई में, क्या मतलब कंजम्पशन किस गुड की बढ़ती है, किसकी कम होती है, दोनों गुड्स की बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में ये बताता हूँ. सो फर्स्टली ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई राइज. जब प्राइस गुड वाई का फॉल होगा तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई राइजेस विच पाइवोट्स द डिमांड कर्व राइटवर्ड्स. जैसे यहाँ से यहाँ पे इसका एक्सिस था एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट था वाई एक्स इंटरसेप्ट, तो ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया. क्यों, जब प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल हुआ तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड हम ज़्यादा मैक्सिमम हम इतनी परचेज कर सकते हैं. अगर फर्दर फॉल होता है तो एक्स तो हम उतना ही परचेज कर पाएंगे क्योंकि उनका उसका प्राइस फिक्स्ड है. अगर हमारी इनकम 100 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर 10 है तो हम 10 ही मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 है. बट अगर यहाँ पर पहले 10 प्राइस था और अब प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल हो गया, 5 हो गया या कुछ हो गया और कम हो गया, तो हम क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, मैक्सिमम ज्यादा परचेज कर सकते हैं. सो इसीलिए वही चीज शो कर रहा है ये बजट लाइन पाइवोट होकर राइटवर्ड्स. सेकेंडली टेंजेंसी ऑफ इनडिफरेंस कर्व शोज कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इंक्रीजेस. अब टेंजेंसी की अगर मैं बात करूं तो पहले टेंजेंसी थी यहाँ पर, फिर हो गई यहाँ पर, फिर हो गई यहाँ पर. यानी कि ये क्या दिखा रही है कि इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की जो टेंजेंसी है
वो ये दिखा रही हैं कि प्राइस कम होने के बाद कंजम्पशन दोनों गुड्स की बढ़ी है, क्योंकि दोनों अपवर्ड स्लोपिंग आ रही है थोड़ा सा, चाहे माइनर ही इंक्रीज हुआ हो लेकिन इंक्रीज हुई है एक्स की भी क्वांटिटी। थर्ड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये तो हमें पता है कि प्राइस जब गुड वाई का कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की बढ़ गई, y की बढ़ गई। What does it say about the nature of good y? अब good y को हम क्या कह सकते हैं कि good y का अगर price बढ़ कम हुआ है तो हमने उसकी quantity demanded बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या है कि वो normal good है, कि भाई ठीक है, ऐसे ही होते हैं mostly goods कि जिसका price कम होता है तो हम उसकी quantity demanded को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है good y एक normal good। ये नॉर्मल गुड वो नहीं है जो इनकम से अफेक्टेड होता है, इनकम वाला नॉर्मल गुड अलग है, ये वैसा गुड है कि हाँ भाई बेसिक गुड है कि हाँ ठीक है मोस्टली ऐसे ही होते हैं प्राइस कम हुआ तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं, ये वो वाला नहीं है इनकम के कंसेप्ट में जो हम इन नॉर्मल और इंफीरियर पढ़ते हैं, ये वो वाला गुड नहीं है, बेसिक गुड यू कैन से ये बेसिक गुड है। नाउ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड एक्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि y का प्राइस कम हुआ इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ी, वो वैलिड है, चलो ठीक है, लेकिन इसके प्राइस कम होने से गुड x की भी क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो गुड x और y में क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे गुड्स हैं कि एक का प्राइस कम हुआ है और दूसरे के हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। सो ये आप सोचो कि नेचर क्या है, गुड वाई और एक्स कौन से गुड्स हैं कि गुड वाई का प्राइस कम हुआ और गुड एक्स की हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो अब जब भी दो गुड्स के बीच में रिलेशनशिप पूछते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, थर्ड ऑप्शन नहीं आता। दो टाइप के गुड्स होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब टी और कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कार और पेट्रोल। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि एक गुड का प्राइस कम हुआ है और इससे डिमांड दूसरे की बढ़ गई है, तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? अगर मैं टी और कॉफी की बात करूँ, अगर टी का प्राइस बढ़े तो कॉफी की कंजम्पशन कम होगी? नहीं, कॉफी की कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉफी को टी के प्लेस में। और अगर कार और पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो जाए तो हम क्या कार की डिमांड ज्यादा करेंगे? ऑफ कोर्स। सो नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप होता है जब भी टू गुड्स में, तो हम क्या कहते हैं कि गुड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सो इन दिस केस वी नीड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड वाई, वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। हियर अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर। यहाँ पर गुड वाई का प्राइस कम हुआ है लेकिन इसे क्वांटिटी डिमांडेड गुड वाई की बढ़ी है, एक्स की बढ़ी है। सो इसका मतलब है गुड एक्स और वाई क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड एक्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑफ गुड वाई। एक्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वाई का। आई होप आपको समझ आ गया, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है कि गुड एक्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड एक्स नॉर्मल है, इंफीरियर है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है किसी गुड के, तो ये चीज़ नेसेसरी है, आपको पता होनी चाहिए। और ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि किस लिए ऐसा हो रहा है और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। सो इट्स बेटर कि आप, अगर आपको नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इनका डिफरेंस नहीं पता, सो आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो अर्लियर, तो आप वो देखिए, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। सो आई सजेस्ट कि अगर आपको नहीं है नॉलेज तो पहले वो वीडियो देखिए, देन आप इस पे स्विच करिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको अभी भी समझ आ रहा होगा। नाउ लास्ट वन इज फॉल इन द प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मैं यूं कहूँ कि प्राइस गुड वाई के प्राइस कम होने से हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, किसी भी गुड का प्राइस अगर कम होता है तो हमारे पास, ये कहते हैं हमारे पास पैसा बचता है वो गुड कंज्यूम करने के बाद, तो मतलब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई।
एंड कंजम्पशन ऑफ एक्स डिक्रीजेस, अगर हम मान लो कि एंड कंजम्पशन ऑफ एक्स हमारी कम हो गई है, तो ये दिखाता है कि गुड एक्स आपका नॉर्मल हो रहा है। अगर प्राइस एक्स, मान लो हमारा अगर प्राइस गुड वाई का कम हो गया है और इससे हमारी इनकम बढ़ गई है, और इनकम बढ़ने के बाद अगर हम कंजम्पशन ऑफ एक्स, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज हुआ, ठीक है, हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, सॉरी वन से यस फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस जब वाई का कम हुआ तो हमारी इंक्रीज हो गई क्या डिस्पोजेबल इनकम, और इसकी वजह से हमने कंजम्पशन ऑफ गुड वाई को बढ़ाया है ना कि कम किया है, तो यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज आना चाहिए, इंक्रीज हो गई है, ये इंक्रीज समझना आप, ये डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब जब हमारी इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, तो हमने कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स भी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड। अब ये नॉर्मल गुड है इनकम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने प्राइस कम होने के बाद इसको डिस्पोजेबल इनकम से जोड़ा है, इनकम के जोड़ने के बाद मैं कह रही हूँ कि कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ी है या कम हुई है, तो जब भी हम इनकम के रिलेशन में देखते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, तो हम ये कहते हैं वो गुड नॉर्मल या इंफीरियर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकम बढ़ने से हमारी कंजम्पशन एक्स की बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, तो हम कह रहे हैं कि गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड। नाउ मूविंग ऑन, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन पर, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स, जैसे ये डायग्राम दिखा दिया, पहले अपवर्ड स्लोपिंग था पीसी से, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग था। अब यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि आपको ये डायग्राम आ जाए कि पीसीसी कर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स, अगर प्राइस गुड वाई का फॉल हुआ तो हमारी सबसे पहले वही बजट लाइन पिवट हो गई, राइट वर्ड्स ऐसे ही हो रही है, ये राइट वर्ड हो रही है, यहाँ पे इंडिफरेंस का वन ये है, टू ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई राइजेस विच पिवट्स द डिमांड का राइट वर्ड्स, सेम लास्ट स्लाइड वाला, टेंजेंसी जो है इंडिफरेंस करके वो शो करेगी गुड वाई की कंजम्पशन जो है हमारी बढ़ रही है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई जो है हमारा यहाँ से वन से टू, टू से थ्री, और गुड एक्स की जो है वो कम हो गई, चाहे माइनर कम हो रही हो लेकिन यहाँ पे थी, फिर उससे थोड़ी सी डिक्रीज हुई, फिर फर्दर डिक्रीज हुई, तो गुड एक्स की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो गई। थर्ड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेज इट्स क्वान्टिटी डिमांडेड, जब प्राइस कम हुआ गुड वाई का तो हमने क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या है, गुड वाई इज अ नॉर्मल गुड। वही लास्ट स्लाइड वाला कॉपी हो रहा है। देन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड एक्स, अब यहाँ पर उल्टा हो गया कि यहाँ पे प्राइस वाई का कम हुआ है और हमने डिमांड एक्स की कम हुई, सो वही गुड एक्स क्या है हमारा। तो जब हम दो गुड्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं गुड एक्स और वाई में, तो हम ये देखेंगे कि वो सब्स्टिट्यूट है या वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन से टाइप ऑफ गुड्स हैं। सो वी नीड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड वाई, वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। हियर अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर, यहाँ पर एक का प्राइस कम हुआ है एंड दूसरे की डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब दे आर सब्स्टिट्यूट गुड, एक्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वन। Now fall in the price of Y, price जब Y का fall हुआ तो हमारी disposable income increase हुई, और increase होने से जब हमारी disposable income increase हुई हमने consumption of good Y को कम कर दिया, price कम हुआ हमारा तो हमारी income बढ़ गई है disposable income, यानी कि हम अब ज़्यादा spend कर सकते हैं, लेकिन हमने good X पे spend ही नहीं किया, हमने उसकी consumption को कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, good X हमारा inferior good है जिसका इनवर्स रिलेशनशिप है विद द इनकम। अगर इनकम बढ़ती है किसी पर्सन की, अगर इनकम बढ़ी और उसने एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ा दिया तो दैट गुड इज नॉर्मल, बट अगर अपोजिट रिलेशनशिप है, मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं एक गुड की कंजम्पशन, पहले मैं 10 यूनिट्स कर रही थी, अब मैं 2 यूनिट्स कर रही हूँ,
सो दैट गुड विल बी कंसिडर्ड एज इंफीरियर गुड. तो यहाँ पर प्राइस वाई का फॉल हुआ जिससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज होने के बावजूद मैं कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को डिक्रीज कर रही हूँ, सो दैट गुड इज एन इंफीरियर गुड. ओके, ना यू शेप पीपीसी भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप पीसीसी भी होते हैं. तो डिफरेंट शेप्स है, उससे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं गुड एक्स कैसा है, गुड वाई कैसा है. फर्स्टली जैसे अब ये यू शेप्ड है, यू शेप्ड है, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई. तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, मान लो प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल. मैंने एक ही सिचुएशन ली है जिसमें प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल हो रहा है, बजट लाइन राइटवर्ड पिवोट हो रही है और इंडिफरेंस कर्व ये दिखा रहा है. सो कंफ्यूज होने की दिक्कत जरूरत नहीं है कि प्राइस कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है. सारी स्लाइड में सेम ही है, प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल हो रहा है जिससे हमारी बजट लाइन राइटवर्ड पिवोट हो रही है. सो इंडिफरेंस का वन ये हुआ, टू ये एंड थ्री दिस. सो व्हेन प्राइस ऑफ वाई फॉल्स क्या हुआ, इसे इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वाई इंक्रीजेस. हाँ ठीक है, इम्प्लाइज क्वांटिटी ऑफ वाई तो इंक्रीज हो ही रही है. तो इससे क्या दिख रहा है कि हमें वाई जो है हमारा नॉर्मल गुड है, ऑफकोर्स है प्राइस कम हुआ हमारी इनकम बढ़ गई, डिस्पोजेबल इनकम और इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड गुड वाई की बढ़ गई, तो मतलब ये नॉर्मल गुड है. या वैसे भी हम कह रहे हैं अगर प्राइस हमारा कम हुआ है तो हमारी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, तो मतलब ये नॉर्मल बेसिक गुड है. क्यू एक्स डिक्रीजेस, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी एक्स की क्वांटिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है. अब क्यों डिक्रीज हुई, मतलब इससे क्या आप बोल सकते हैं हम एक्स क्या है, प्राइस वाई का फॉल हुआ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, बट इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स हमारा कम हो रहा है, तो मतलब एक्स हमारा इंफीरियर गुड है और सब्स्टिट्यूट गुड है. सब्स्टिट्यूट गुड कैसे हुआ, जैसे हमने पीछे डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी पढ़ा था, उसमें यही तो था ना कि हमने एक की क्वांटिटी बढ़ा दी और दूसरे की हमने कम कर दी. जब पी ऑफ वाई फॉल हुआ तो हमने इसकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी बट इसकी कम कर दी, तो नॉर्मल ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री देखने के लिए हम इसका प्राइस देखेंगे. गुड वाई का प्राइस हमारा कम हो गया है, इससे क्वांटिटी ऑफ एक्स हमारा डिक्रीज हो गया. मतलब दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक का प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे की कम होगी. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, अगर ये टी है, टी का प्राइस कम होने से डिमांड फॉर कॉफी कम हो जाएगी. सो सही है, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. आफ्टर पी वाई फॉल्स एंड क्यू इंक्रीजेस, अब ऐसा आता है, यहाँ तक था डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब नाउ आता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि प्राइस फॉल होगा वाई का लेकिन क्वांटिटी ऑफ एक्स जो कि यहाँ से ये दिख रही है आपको, ये बढ़ जाएगी, यहाँ से ये बढ़ गई. यहाँ पे वही चीज हो रही है, प्राइस अभी भी फॉल हो रहा है, क्वांटिटी और एक्स वो इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, गुड एक्स एंड वाई के बीच में, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा दो गुड्स की बात होती है, एक का प्राइस देखते हैं, दूसरे की हम क्वांटिटी देखते हैं. अगर एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है तो दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लाइक टी एंड कॉफी, आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो गुड एक्स और वाई में, सो इट्स बेटर कि आप एग्जांपल से उसको कंसीडर करो. मान लो यहाँ पर एक्स और वाई है एंड मैंने लिया टी एंड कॉफी. अगर टी का प्राइस कम होता है तो दे आर सेइंग कि कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी. टी का प्राइस बढ़ा और कॉफी की डिमांड बढ़ गई, टी का प्राइस कम हुआ कॉफी की डिमांड कम, तो मतलब दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स.
वहीं अगर मैं प्राइस ऑफ गुडवाइफ फॉल्स यानी अगर टी का प्राइस फॉल हो रहा है तो डैश पर डिमांड बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी जो कार एंड पेट्रोल। अगर कार का पेट्रोल का प्राइस अगर हमारा कम होता है तो हमारी डिमांड कार की बढ़ जाती है, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सो बेटर कि आप गुड्स को एज्यूम करो कि ये सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके अकॉर्डिंग आप देखो पी एच पी वाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ अब बात आती है हॉरिजॉन्टल पीसीसी की। यहाँ पर ये हुआ कि प्राइस गुड वाई का कम हो रहा है, ठीक है पाइवोट हो रहा है बजट लाइन, बट कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स जो है अफेक्ट कर ही नहीं रही, तो इससे हमें क्या पता चलता है? आप खुद वैसे ही जज करो कि अगर आपको पेपर में ये डायग्राम आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि इसमें प्राइस इसका कम हुआ है, इसकी हमने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, तो मतलब गुड एक्स वाई क्या है, नॉर्मल गुड है या बेसिक गुड है कि हाँ भाई प्राइस कम हुआ मैंने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। दिस मीन्स गुड एक्स इज अ न्यूट्रल गुड, इस गुड की क्वांटिटी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। So when price of y falls, quantity of y increases, इसका मतलब गुड y जो है हमारा नॉर्मल गुड है और गुड x जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब गुड x हमारा न्यूट्रल गुड है। Now इनकम कंजम्पशन curve इन डिफरेंट केसेस। अब बात आती है इनकम कंजम्पशन curve, क्योंकि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ रहा है। फर्स्ट केस आता है अपवर्ड स्लोपिंग ICC, ICC वही है, इनके इंटरसेक्शन से डिफाइन होगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकेंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया। अब यहाँ पे ये दिख रहा है जब हमारी इनकम बढ़ी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो, फिर इनकम बढ़ी बजट लाइन फर्दर राइट वर्ड शिफ्ट हो, इससे हमारा पहले जहाँ पर इतने हम कंज्यूम कर रहे थे, अब इनकम बढ़ने पर हमने वाई की कंजम्पशन भी बढ़ा दी, सेकेंडली हमने एक्स की भी कंजम्पशन बढ़ा दी, ये भी अपवर्ड जा रहा है, एक्स की भी हमने कंजम्पशन बढ़ा दी। इससे क्या पता चला, इनकम बढ़ने से जब हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड बढ़ा देते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, दिस मीन्स गुड्स आर नॉर्मल। सो इस केस में हमें ये पता चलता है गुड एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स एज एन इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बोथ गुड्स। जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमने x की और y की दोनों की डिमांड बढ़ा दी, इससे पता चलता है दोनों नॉर्मल गुड्स हैं। सेकंड केस आता है इंडिफरेंस कर्व इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर ये हुआ इनकम बढ़ रही है, ठीक है पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, x की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, यहाँ पर थोड़ा कम बढ़ रहा है, एक्स की ज्यादा बढ़ गई, तो गुड एक्स एक लग्जरी गुड है। लग्जरी गुड्स वो होते हैं जैसे थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज हो जाए उनकी डिमांड फॉल हो जाती है, यहाँ पर इनकम बढ़ी है तो उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, हम लग्जरी गुड्स को ज्यादा परचेज करते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है, बल्कि नेसेसिटी जो गुड है उसमें इतनी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना फर्क नहीं आता। तो यहाँ पर यही शो किया हुआ है कि इनकम बढ़ने से गुड एक्स की तो हमारी बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब गुड एक्स हमारा लग्जरी गुड है। वहीं पे अगर मैं गुड वाई की बात करूं, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इसका कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है। अब आपकी इनकम 100 रुपीज है, आपको 1 kg शुगर चाहिए, ये थोड़ी है आपकी इनकम 10,000 हो जाएगी तो आप 10 kg शुगर की कंजम्पशन करने लग जाएंगे, नहीं ना, इंक्रीज होगी लेकिन कुछ माइनर प्रपोर्शन से, यू कैन से, क्योंकि शुगर एक नेसेसिटी गुड है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड वन इज आईसीसी इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब ऐसे इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो वाई की कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज होने से, तो गुड वाई हमारा है कि इनकम इंक्रीज हुई इसकी कंजम्पशन बढ़ी, तो ये तो हमारा लग्जरी गुड हुई कह सकते हैं, गुड वाई हमारा लग्जरी गुड है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो हमारी कंजम्पशन बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं गुड एक्स की बात करूँ तो वही सेम सिनारियो कि यहाँ पर
ये नेसेसिटी गुड है कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत माइनर पोर्शन से ज्यादा फर्क ऐसे नहीं आ रहा है. सो इस केस में जहां पर इंक्रीज बहुत ड्रास्टिकली हो रहा है वो गुड हमारा है लग्जरी. तो लग्जरी में होता है हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम हाँ उसकी कंजम्पशन हम ज्यादा कर देंगे. लेकिन नेसेसिटी गुड ऐसा है कि आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए आप इंक्रीज तो करोगे लेकिन एक माइनर प्रोपोर्शन. सो दैट्स इट. थैंक यू. आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन यूज कमेंट सेक्शन. आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.